हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। वैसे छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में पता होगा लेकिन मैं लगभग 2.5 साल से लोगों को लाइव करा रहा हूँ, लाइव मार्केट में लोगों को ट्रेड कराता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट है जिसमें बहुत मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। उन सारे कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के ऊपर और हेजिंग के ऊपर, ऑल अबाउट, इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ऑल अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड हेजिंग। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लिख के बताना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको फॉरवर्ड करके देखने का इरादा है या फिर बिना डायरी पेन के साथ देखने का इरादा है तो वीडियो को मत देखिए, एक काम का नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, चूंकि जिस तरीके से मैं लाइव में देखता हूँ, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मैं देखता हूं कि उन्हें मैं लाइव मार्केट में बताता हूं, इसके बावजूद भी बहुत बार उनसे गलतियां होती हैं। तो शायद आप लोग कहीं सीखे होंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा, ठीक है, या फिर नहीं सीखे हैं या फिर आप अभी अभी मार्केट में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप इसे जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अभी तीन सिनेरियो बताने वाला हूं, ठीक है। तीन सिनेरियो में क्या क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले बुलिश सिनेरियो, जब मार्केट बुलिश में हो, ठीक है, बुल रन में हो। दूसरा सिनेरियो बेरिश सिनेरियो, जब मार्केट गिरावट के फेस में हो। तीसरा सिनेरियो न्यूट्रल सिनेरियो, ठीक है, न्यूट्रल सिनेरियो। ये तीनों ही कंडीशन में जब हम पोजिशन बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में मोस्टली यही सिचुएशन रहते हैं, इसके अलावा तो दूसरा सिचुएशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीन ही सिचुएशन में हमें ट्रेड करना है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग ऑप्शन में स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम नेकेड बनाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम उसे हेज करते हैं तो किस तरीके से हेज करें, अगर हम फ्यूचर के साथ ट्रेड करते हैं तो कैसे अपने फ्यूचर को हेज करें, ठीक है। अगर हमने फ्यूचर बाई कर लिया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया, वेल एंड गुड। अगर हमने कॉल बाइंग कर लिया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया, वेल एंड गुड। हमने पुट बाइंग कर लिया और मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया, वेल एंड गुड। लेकिन हमारे अगेंस्ट मार्केट हो जाए तब, क्योंकि हम स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं, हम अपने पोजिशन को हेज क्यों करते हैं, या बड़े बड़े लोग हेज क्यों करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको तो पता है यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया लेके आते हैं, हजार हजार करोड़ रुपया लेके आते हैं, सब लोग यही करते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पोजिशन को हेज करके चलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बढ़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो आप लोग समझते होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप नए हैं तो आप पूरे सिनेरियो को एक साथ समझिए, तो मैं आपको तीन पार्ट में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंक्रेज कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहले सिनेरियो पे। कौन सा सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो। क्या सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो, जब मार्केट कंटिन्यू अप साइड में मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तब आप पोजीशन क्या बनाएं। देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि जब मार्केट बुलिश रन में होगा तब क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आप पहले समझिए। जब मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाएगा, अप मूव करेगा, तो क्या होगा, कॉल का भाव, मैं लिखता हूं आप भी लिखिए, कॉल का भाव बढ़ेगा, क्या होगा, कॉल का भाव इंक्रीज होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, पुट का भाव गिरेगा, पुट का भाव गिरेगा, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, फ्यूचर का भाव, फ्यूचर का भाव बढ़ेगा। अगर कॉल का भाव बढ़ेगा तो आपको क्या करना चाहिए, एक कॉल बाई करना चाहिए, एक कॉल
बाई करना चाहिए, ठीक है, कॉल बाई करना चाहिए। लेकिन जब आप कॉल बाइंग करते हो तो ये क्या हो गया, पोजीशन नेकेट हो गया, राइट। देखिए जब आप ये चीजें समझ जाएंगे ना तो आपको मार्केट में पोजीशन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। असल में मार्केट इजी ही है, लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। या फिर इच्छाधारी ट्रेडर होते हैं उन लोग इच्छाधारी ट्रेडर मतलब जब मर्जी आए कहीं पर टेलीग्राम देख लिए, किसी का व्हाट्सएप देख लिए, किसी का दोस्त बोल दिए, किसी टीवी वाले बोल दिए तो कर लिए, वो इच्छाधारी ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक कंप्लीट प्लान बना के ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप सिचुएशन समझ के ट्रेड करते हैं, मैं उनके लिए सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप कॉल बाइंग करेंगे तो पोजिशन क्या हो जाएगा, नेकेट हो जाएगा। तो क्या करें, एक कॉल को बाई कर लें, करीब के कॉल को बाई करें जहां मार्केट चल रहा है, और ऊपर के कॉल को सेल कर दें। क्या करें, दूसरे कॉल को सेल कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ऐसे में ये आपका पोजीशन हो गया, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इस पोजीशन में अगर मार्केट रिवर्स कर गया तो ये आपको थोड़ा कवर करेगा, ठीक है, लॉस कवर करेगा, तो पोजीशन आपका हो जाएगा हेज। बहुत अच्छा स्ट्रेटजी कहलाता है, इसे कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस सबके ऊपर वीडियो बनाए हैं सेपरेट, ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं, ओके। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि पुट का भाव गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का भाव गिरेगा। पुट का भाव गिरेगा तो क्या करें, सबसे पहले पुट को सेल कर दें, क्या करें, पुट को सेल करें। लेकिन अगर मार्केट बढ़ा नहीं और नीचे ही चला गया तो क्या होगा, इसमें पोजीशन, इस पोजीशन में नुकसान होगा, मतलब अभी पोजीशन नेकेड है। तो आप क्या करें, दूसरे पुट को बाई कर लें, क्या कर लें, एक पुट को अगेन आप बाइंग कर लें। तो एटीएम पुट को, एटीएम तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, तो एटीएम पुट को आप शॉर्ट करें और ओटीएम पुट को जाके बाई कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोजीशन हेज हो जाएगा, ओके। देखिए ये दोनों ही कंडीशन में एक बात का ध्यान रखें कि अगर जो बाई कर रहे हैं उसका प्रीमियम 100 रुपया है तो जो आप सेल कर रहे हैं इसका प्रीमियम 50 रुपया या 40 रुपया होना चाहिए, बट 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेम तरीका यहां भी रखिए आप, राइट, कि अगर आप जिसे सेल कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट कमाना है उसका भाव ज्यादा होना चाहिए, राइट, और जो आप यहां पर बाइंग कर रहे हैं हेज कर रहे हैं जिसे, ये 40 से 50 रुपया होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एनालिसिस है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट आपके साइड में मूव करे। ये तो उस कंडीशन के लिए हेज करते हैं जब हमारा एनालिसिस नेगेटिव हो जाए या जब हमारे व्यू के अगेंस्ट मार्केट मूव करे, ये उस कंडीशन के लिए हेज किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या करिए, इसे ज्यादा मत रखिए, कई बार आपसे गलती होगा, ठीक है, इसलिए मैं बताया आपको पहले कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, राइट, तो ध्यान दीजिए और नोट करके देखिएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, यहां पर दो सिचुएशन बनता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, फ्यूचर का भाव बढ़ेगा, तो क्या करें, सबसे पहले फ्यूचर बाई करें, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं गया, अभी पोजीशन क्या है आपका, नेकेड है, अगर मार्केट ऊपर न जाके नीचे रह गया या साइडवेज में खड़ा हो गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर कॉल सेल कर देते हैं, क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं। कौन से कॉल को सेल करेंगे, एटीएम, ध्यान रखिएगा फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, आप लोग मेरे ऑप्शन ग्रिस का देखिए। एक काम करिए, अगर आप लोग बिगिनर हैं, ठीक है, जिन लोग पुराने हैं, जिन लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हैं अभी अभी सीख रहे हैं तो मेरे ऑप्शन की ABCD का पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑप्शन की ABCD, उसमें कंप्लीट आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा, स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या करें दोस्तों, फ्यूचर बाइंग करें, तो फ्यूचर का डेल्टा होता है 1, मतलब 1 पॉइंट बैंक निफ्टी या निफ्टी भागेगा या कोई स्टॉक भागेगा तो उसका फ्यूचर का भाव भी 1 रुपया जाएगा, ठीक है, 10 रुपया जाएगा तो उसका फ्यूचर का भाव भी 10 रुपया जाएगा, राइट, मतलब कैश का भाव 10 रुपया बढ़ेगा तो फ्यूचर का भाव भी लगभग 10 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, कॉल का भाव उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा कितना है इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि एटीएम, ठीक है, एटीएम या फिर थोड़ा ऊपर का स्ट्राइक प्राइस को कॉल को सेल कर दो। सपोज करो एग्जांपल के लिए कि 17,600 निफ्टी चल रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है
तो आप सेम भाव में फ्यूचर बाइंग करेंगे और क्या करें 17,700 का कॉल को सेल कर दें, ठीक है। अगर इसका प्रीमियम, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 50 रुपया है या 100 रुपया है, तो आप इसे सेल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर नियर एक्सपायरी रहेगा ना, तो इसका प्रीमियम इससे ज्यादा नहीं रहेगा, अगर एक्सपायरी के बहुत करीब है तो। कोशिश करिए कि 100 के आसपास हो या 150 हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ऊपर मार्केट नहीं जाता है या मार्केट खड़ा हो जाता है, तो इसका क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, टाइम डीके होगा, ठीक है। इसमें आपको कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है इस पोजिशन में। अब इसमें दूसरा कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है कि फ्यूचर बाइंग करें, फ्यूचर बाइंग करें, ठीक है, फ्यूचर बाई करें, और दूसरा क्या कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पुट बाई कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर गया तो फ्यूचर बढ़ेगा, और फ्यूचर एक डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगा, और जो आपने पुट बाइंग किए हैं उसमें नुकसान कितना होगा, 50.50 डेल्टा के हिसाब से लॉस होगा। तो क्या होगा कि फ्यूचर आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, इसमें मार्जिन कम लगता है, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ज्यादा प्रीफर इसे करना चाहिए। कैपिटल इसमें जरूर ज्यादा लगता है, इसमें कैपिटल कम लगता है, लेकिन प्रीफर आपको इसे करना चाहिए, राइट। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आप इस तरीके का पोजिशन बनाया करिए, कब, जब मार्केट बुल रन में रहता है तब। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया दोस्तों कि आप नेकेड पोजिशन बनाओगे, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम रहता है, लेकिन लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो आप अपने पोजिशन को हेज करके इस तरीके से बना सकते हो। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जब मार्केट बुलिश रेंज में रहेगा तो मैं क्या पोजिशन बना सकता हूं, और ओवरऑल आपको एक सिनेरियो समझ में आया होगा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या क्या घटता है ऑप्शन के प्रीमियम में, ठीक है, मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। कॉल का भाव बढ़ेगा, पुट का भाव गिरेगा, फ्यूचर का भाव बढ़ेगा, ये तीनों ही सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो तीनों की तरह आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, इसे कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं बुल पुट स्प्रेड, और इसे कहते हैं कवर्ड कॉल, ठीक है। तो ऐसे इसका नाम है, नाम पे नहीं भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चीजें समझ में आना चाहिए, आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि आप किस तरीके से पोजिशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें जब मैं लाइव में देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, देखिए मैं किसी की बढ़ाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। समझ में नहीं आता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या पोजिशन बनाऊं, मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार ये समझ में नहीं आता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जो नए हैं उन लोगों को तो यही समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कॉल सेल कर दिए और फ्यूचर बाई कर लिए तो इसमें कैसे प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर बाई कर लिए और हमने पुट बाई कर लिए तो कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका एक लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का भाव बढ़ेगा, तो जो आपने ज्यादा बाई किया है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए प्रीमियम बाई किया है, 100 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, आपने इधर 50 रुपए सेल किया है, ये 50 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है, जब ये डबल हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये डबल होगा तो 200, और ये डबल होगा तो कितना होगा, 100 रुपया होगा, तो अल्टीमेट आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों, बेरिश कंडीशन में क्या होगा, बेरिश सिचुएशन में जब मार्केट गिरावट के फेस में रहेगा, ठीक है, तब क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले पुट का भाव बढ़ेगा, क्या होगा, पुट का भाव बढ़ेगा। दूसरा, कॉल का भाव गिरेगा, राइट। तीसरा क्या होगा, फ्यूचर का भाव गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, गिरेगा ना, ठीक, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हो आप लोग। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पुट का भाव बढ़ेगा तो नंबर वन क्या करें, पुट खरीदें, ठीक है, कब, जब मार्केट गिरेगा तब। लेकिन मान लो कि मार्केट नहीं गिरा तो क्या हो सकता है, हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए अगला पुट को क्या करेंगे भाई साहब, इसे हम लोग बाई कर लिए और इस पुट को हम लोग सेल कर दिए,
समझ गए, डायरी पे नोट करिए अच्छे से और इसे बार बार रिपीट करिएगा और थोड़ा दिन प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ों को थोड़ा देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कॉल का भाव गिरेगा। क्या होगा, कॉल का भाव गिरेगा, तो क्या करें, पहले कॉल को सेल करें। आप कोशिश करिए एटीएम के आसपास सेल करिए या यहाँ पर आप एटीएम को बाई करिए। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट ना गिर के ऊपर की तरफ चला गया है, फिर मार्केट वहीं पर खड़ा हो गया, तो इसके लिए क्या करें, अपने सुरक्षा के लिए दूसरा कॉल को बाई कर लें। राइट, समझ गए आप यहां पर क्या किए, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है तो पुट का भाव बढ़ेगा। राइट, अगर मार्केट नहीं गिरता है तो हमें क्या होगा, टाइम वैल्यू का नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस प्रीमियम को सेल कर दीजिए, एक ओटीएम प्रीमियम को सेल कर दीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहां पर एटीएम कॉल को सेल कर दीजिए और ओटीएम को बाई कर लीजिए। राइट, तो इस तरीके से आपका, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें टाइम डीके हो जाएगा तो यहां पर नुकसान होने लगेगा बाई में, लेकिन यहां भरपाई दे देगा। यहां पर क्या होगा कि अगर मार्केट मूव नहीं किया तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपने सेल किया है इसमें प्रॉफिट आने लगेगा, लेकिन जो बाइंग किए हैं इसमें आपको लॉस होने लगेगा। तो अल्टीमेट आपका लगभग पोजिशन थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में चलता रहेगा। ठीक है, ओके, तो एक अच्छा स्ट्रेटजी रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर दो सिचुएशन बनेगा, जैसे हम लोग बुलिश वाले सिचुएशन में थे उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूचर का भाव गिरेगा, इसलिए फ्यूचर सेल करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, या नहीं गिरा, तो दोनों ही कंडीशन में हमें लॉस होगा। तो दूसरा क्या करेंगे, इसके साथ प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट सेल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पुट सेल कर दीजिए और एटीएम को सेल करने की कोशिश कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। समझ गए होंगे आप यहां तक। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो इसका भाव एक डेल्टा के हिसाब से बढ़ेगा, और इसका भाव कैसे मतलब बढ़ेगा, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसका भाव बढ़ेगा ना भाई, फ्यूचर का भाव, तो पुट का भाव ही बढ़ेगा, तो यहां पर नुकसान होगा, लेकिन यहां पर नुकसान क्या होगा, 0.50 डेल्टा के हिसाब से होगा। राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में चलते, अच्छा एक पॉइंट और आपको बता दूं मैं आगे जाते जाते, जो आप सेल करते हैं, ठीक है, अगर इसका भाव 200 है तो आपको 200 तक ही कवर कर सकता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पोजिशन 200 के बाद आपका पोजीशन नेकेड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां इसका बेनिफिट है वहां थोड़ा इसका नुकसान भी है, तो मार्केट का एक व्यू देख के, मार्केट का एक रेंज देख के, एक लेवल्स देख के आप ये पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस तो जरूर आना चाहिए आपको। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर एक लेवल ब्रेक कर जाता है तो इसे बुक करते हैं और दूसरा शॉर्ट कर देते हैं, इस तरीके से पोजीशन को एडजस्ट करते चले जाते हैं, तो एडजस्टमेंट अलग चीज है। ओके, लेकिन आपको एक सिनेरियो मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फ्यूचर सेल तो किए ही किए, यहाँ पर हमेशा फ्यूचर सेल ही करेंगे। ओके, जब मार्केट गिरेगा तब, मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर बाइंग ही होगा, मार्केट जब नीचे गिरेगा तो फ्यूचर क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स कर गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉल बाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, मुझे लगता है पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, वीडियो बड़ा बन रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इससे इतना शॉर्ट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब जो तीसरा सिचुएशन है वो है न्यूट्रल सिचुएशन। न्यूट्रल मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जब मार्केट न्यूट्रल सिचुएशन में हो तब हम क्या कर सकते हैं, इसे समझिए। जब मार्केट न्यूट्रल होगा तो ध्यान रखिएगा, पहले तो सिनेरियो समझ लीजिए, कॉल का भाव गिरेगा, मतलब जब मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, और क्या होगा, पुट का भाव गिरेगा। ठीक है, क्या होगा, कॉल का भाव भी गिरेगा और पुट का भाव भी गिरेगा, ऐसे कंडीशन में फ्यूचर में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, फ्यूचर में पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो यहां पर फ्यूचर की कोई बातें नहीं होगा। न्यूट्रल कंडीशन में आपको कॉल
कॉल का भी भाव गिरते हुए दिखाई देगा और पुट का भी भाव गिरते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेटजी है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आयरन बटरफ्लाई है, आयरन कंडोर है, ठीक है, आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है, बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ आपको करना क्या है, कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज करो दोस्तों कि मार्केट, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भाव ले लेता हूँ, 17,500 मार्केट चल रहा है एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में 150-200 पॉइंट में ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो क्या करें, इस आसपास का, इस मिड का छोड़ दीजिए, थोड़ा ऊपर चले जाइए, ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, नीचे सपोर्ट के नीचे चले जाइए, तो यहाँ का आप कॉल सेल करिए, नीचे का आप पुट सेल करिए, ऊपर का आप कॉल सेल करिए, नीचे का पुट सेल करिए। मैं दोबारा लिख देता हूं, ऊपर का आप कॉल सेल करिए, नीचे का पुट सेल करिए, दोनों साइड सेल हो गया, लेकिन अभी पोजीशन क्या हो गया, नेकेड हो गया ना, अब ये पोजीशन नेकेड हो गया, हेज नहीं है, तो क्या करें, इसके ऊपर का कॉल बाय कर लीजिए, इसके नीचे का पुट बाई कर लीजिए। मतलब अगर भाव चल रहा है 17,500, तो आप क्या कर सकते हैं, 17,600 का कॉल सेल कर सकते हैं, 17,400 का पुट सेल कर सकते हैं, 17,700 का कॉल को बाइंग कर सकते हैं और 17,300 का पुट आप बाई कर सकते हैं, पोजीशन आपका हो जाएगा हेज। ठीक है, तो इसी तरीके का स्ट्रेटजी डेवलप होता है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी और भी स्ट्रेटजी बनते हैं, लेकिन इसी के आसपास घूम फिर के स्ट्रेटजी बनता रहता है। ओवरऑल दिमाग कहाँ लगाना है, देखिए ऑप्शन में ना हजारों स्ट्रेटजी बनते हैं, आप सोच सको उतना स्ट्रेटजी बनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा एक सिनेरियो समझ में आना चाहिए कि कौन से कंडीशन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकता है, प्रीमियम में किस तरीके से प्रीमियम किस तरीके से घट सकता है, प्रीमियम किस तरीके से बढ़ सकता है, राइट। तो इसे आपको समझना चाहिए ओवरऑल। बट कभी भी पोजीशन बनाओ, आप हेज करके पोजीशन जरूर बनाओ, विदाउट हेजिंग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सिचुएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये जो मैं ऑप्शन का बताया, इस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने कवर किया है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी कवर किया है, इसे आप इस तरीके का पोजीशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में इस तरीके का जो अभी ये पोजीशन बना मैंने बताया है, इसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक वो पर्टिकुलर न्यूज पे चल सकता है, उस पर कोई अलग से आईटी जैसा रेड हो सकता है, या कोई भी फ्रॉड टाइप की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन इंडेक्स उतना वोलेटाइल नहीं होगा, राइट। तो इंडेक्स में ये स्ट्रेटजी बनाना इजी है, स्टॉक्स में बनाने का भी तरीका सेम ही है, लेकिन मतलब ये वाली स्ट्रेटजी तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स में मतलब जो अभी मैंने बताया कि ये जो दोनों साइड का कॉल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से कर भी सकते हो, लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि स्टॉक्स में इस तरीके का पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक 10% ऊपर भी जा सकता है, 20% ऊपर भी जा सकता है। आप लास्ट एक दो दिन का चार्ट देखिए, चाहे इंडसइंड बैंक का चार्ट देख लो, ठीक है, वो 15% ऊपर चला गया, जील का चार्ट देख लो जो 48% ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में इसमें चूंकि ये मैक्सिमम लॉस वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा सतर्क होकर सब पोजिशन बनाइए। ठीक है, इंडेक्स में इसे बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं इसे कवर कर दूं आप लोगों को, कि जरूरी नहीं है कि आप इसे 600 का पोजीशन बनाओ, आप 700 का भी सेल करो और 800 का बाई करो, लोअर साइड में 300 का सेल करो और 200 का बाई करो। ठीक है, तो अपना रिस्क को देख के, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे आपका प्रॉफिट का साइज छोटा होता जाएगा और रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके का पोजीशन बना सकते हैं आप।
ठीक है। मैं पर्सनली जिस तरीके से पोजीशन बनाता हूँ, जैसे मैं डेल्टा वाला पोजीशन बनाता हूँ, 50, 40, 30 डेल्टा मैं सेल कर देता हूँ। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने कवर किया हुआ है, ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो मैं उस तरीके से पोजिशन बनाता हूँ। आजकल फ्रेक ट्रेड काफ़ी हो रहा है, तो मैं मतलब इसी टाइप का पोजिशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट वाला स्ट्रेटजी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेकेड कॉल और नेकेड पुट मैं अभी शॉर्ट बिल्कुल अवॉइड कर दिया हूँ, ये अभी अभी के टाइम में, ठीक है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैं 18 सितंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अभी फ्रेक ट्रेड काफी हो रहा है, हो सकता है इसे बाद में वीडियो देखें लोग तो डेट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे कंडीशन में हम लोग क्या पोजिशन बना सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में प्रीमियम गिरता है, या किस तरीके से मार्केट जब ऊपर या नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ता है, तब हमें कौन से पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, क्या पोजीशन लेके जाना चाहिए। स्टॉक में मैं थोड़ा कवर कर देना चाहूंगा, स्टॉक में मैं थोड़ा जिस तरीके से पोजीशन बनाता हूं उसे मैं आपको कवर करना चाहूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं आपको HDFC लिमिटेड, चूंकि मैंने इसे ट्रेड दिया था आप लोगों को भी 2600 के आसपास था तब, ठीक है, 2600 के आसपास था तब मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था कि इसमें बाई करके जाना चाहिए और ये 2900 का टारगेट दिखाएगा, एक एग्जाम्पल की तरह समझिए इसे, ठीक है। ये मेरा व्यू था और गया भी यहाँ तक, एकदम 2900 तो टेस्ट नहीं किया लेकिन 2875 तक गया, तो हमें अच्छा प्रॉफिट देके गया, ठीक है। आप लोग चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ फ्यूचर बाई, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब, ठीक है। तो इसका भाव कितना है, 2600 है, ओके। तो मैं क्या करता हूं कि लगभग 26, देखिए इसका परसेंटेज वाइज देखूंगा तो 26 रुपया 1%, तो मैं कोशिश करता हूं कि 3% तक, मैक्सिमम 3% तक, और मिनिमम भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूं 3% तक का। मैं अपर साइड में कोई जिसका भाव रहता है, ठीक है, कॉल, ठीक है, मतलब इसका भाव क्या हो सकता है 3% में, मतलब 70 to 80 रुपीज, 80 रुपीज जिसका भाव चलता रहेगा उसे मैं सेल कर देता हूं। क्या करता हूं, कॉल मैं यहां पर सेल करता हूं, फ्यूचर बाई कर लिया और मैंने कॉल सेल कर लिया। तो अब आप यहां पर ध्यान रखिए कि मैंने कितना सेल किया, यहां पर 80 रुपये, राइट। तो अगर गलती से 80 रुपये नीचे चले जाता है तब तक तो ये मेरा कवर कर देगा, और अगर उससे और ज्यादा नीचे चले जाता है तो क्या होगा, मुझे लॉस तो होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मंथ एंड तक ये प्रीमियम 80 रुपये नीचे रहता है, मतलब फ्यूचर का भाव 80 रुपये नीचे रहता है, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये 80 रुपया ऊपर जाता है या 1 रुपया भी ऊपर जाता है तब भी इसका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, मुझे कवर मिलता है, इसे हम कहते हैं कवर्ड कॉल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कवर्ड कॉल। लेकिन अगर ये मूव किया 80 पॉइंट से ज्यादा तब क्या होगा, इसका भाव बढ़ेगा, इसका भाव बढ़ेगा, मतलब यहां से 80 रुपया और ऊपर जाएगा, मतलब 160 जाएगा, ठीक है, इस भाव से, मतलब ये कहां चला जाएगा, 2760 कहां चला जाएगा, 2760, तब तक इसका भाव 80 रुपये ही रहेगा। इसके बाद इसमें लॉस शुरू होगा, लेकिन तब तक आपको फ्यूचर में एक हैंडसम प्रॉफिट मिल चुका होगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर क्या करें, हो सकता है कि आप जैसे मान लो अभी मंथ चल रहा है सितंबर, आप अक्टूबर का फ्यूचर बाइंग कर लो, ठीक है, और आप सितंबर का कॉल को सेल कर दो, सिंपल। इसमें मार्जिन भी आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब सेल करने का 20-40 हज़ार रुपये में सेल हो जाएगा, और फ्यूचर का जो भी लगभग 1.5 लाख आसपास लगता है वो जितना इसका भाव रहेगा, ठीक है, जिसका इसका लॉट साइज है उस हिसाब से आपका ये रिक्वायर्ड मार्जिन मांगेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग ये पोजिशन 2 लाख 2.5 लाख आसपास में बन जाता है, ठीक है, HDFC या रिलायंस जैसे स्टॉक में ट्रेड करने से, ठीक है। और जिनका लॉट साइज बड़ा है उसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा भी लगता है, जैसे टाटा पावर्स या टाटा मोटर्स देखेंगे तो, ठीक है, उनमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगेगा, ओके। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पोजीशन कैसे बनाते हैं, जब तक कि ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, आप इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, और इसमें थोड़ा बहुत जो लॉस मिलेगा वो लॉस लेते रहिए, ठीक है। आप सेम मंथ का भी पोजीशन बना सकते हैं और सेम मंथ का कॉल सेल कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको कवर करना चाहूंगा, लास्ट जो एक्सपायरी वीक होता है मंथ का, ठीक है, उसमें ऑप्शन आप सेल करके जा नहीं सकते, राइट। तो
तो यहां पर क्या कर देगा, वो आपको फिजिकल डिलीवरी मांगेगा, मतलब मार्जिन ज्यादा मांगेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब मंथ एक्सपायर होने लगे, उस कंडीशन में क्या करें, सेम मंथ को एग्जिट करके अगले मंथ में चले जाना चाहिए, मतलब अगले मंथ का फ्यूचर को। सपोज करो आपने सितंबर का फ्यूचर बाई किया है, ठीक है, तो अभी जैसे सितंबर का लास्ट एक्सपायरी डेट कब है, मैं आपको यहाँ पर डेट दिखाना चाहूंगा, 23 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख। तो आपको 27 तारीख से मार्जिन मांगना शुरू कर देगा, ठीक है, 27 तारीख से, 27 सितंबर से मार्जिन मांगना शुरू कर देगा, फिजिकल डिलीवरी का मैसेज आने लगेगा आपसे, आपके पास, ठीक है। तो क्या करें, सितंबर का फ्यूचर को क्लोज करें, अक्टूबर का फ्यूचर में पोजीशन बना लें, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट अचीव नहीं किया है तो, और फिर आप अक्टूबर के फ्यूचर का एंड का आप सेल कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से पोजिशन बनाते रहिए, लेकिन यहाँ जो पोजिशन बनाते हैं आप इसे मैक्सिमम 3 से 4% मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा रखेंगे ना तो आपको आईटीएम की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा प्रीमियम को अगर आप शॉर्ट करना चाहेंगे तो आईटीएम की तरफ आना पड़ेगा। इस कंडीशन में ध्यान दिखेगा कि अगर मार्केट 2600 चल रहा है तो या तो 2600 का आपको कॉल सेल करना चाहिए, या फिर मान लो 2620 होगा या 50 होगा इसका सेल करना चाहिए, या 2700 का सेल करना चाहिए, जिधर हम जा रहे हैं उधर हमें सेल करना चाहिए, राइट। आईटीएम में सेल नहीं करना चाहिए, आईटीएम सेल करोगे तो क्या होगा, जैसे 60-70 रुपया होगा, भाव बढ़ेगा, ये फ्यूचर की तरफ बिहेव करने लगेगा, राइट, मतलब आपका ऑप्शन फ्यूचर की तरफ बिहेव करने लगेगा। इसलिए आप ओटीएम को शॉर्ट करिए, ताकि अगर आप अपने टारगेट की तरफ अचीव करने वाले हैं तब भी ऑप्शन का भाव कम बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। वीडियो नो डाउट थोड़ा बड़ा बना है, आप लोगों को लग सकता है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा झेलाव हो गया है, लेकिन आपके लर्निंग के लिए काफी अच्छा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।